कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के एमसीक्यू जो है टेस्ट, जिसका जो है पार्ट जो है 6 होगा, जिसमें टॉप जो है 30 क्वेश्चन का जो है रिवाइज करेंगे। तो आप जो है लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख के कि आपने जो है कितना स्कोर किया। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जो है ज़रूर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अब जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पद एमबी का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, यानी एमबी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। तो हमारा राइट आंसर हो गया बी। मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो ये जो है कहाँ विद्यमान रहती है, ये जो है मेमोरी में यानी स्मृति में, यानी यादृच्छिक अभिगम स्मृति में जो है विद्यमान रहती है। देखते हैं कि कंप्यूटरों का जाल क्रमित करता है, खतरों के अवसर में बढ़ोतरी करता है, या कंप्यूटरों की उपयोगिता को बढ़ाता है, या सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो है आविष्कार किसने किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जॉनी विंसेंट जो है एटॉमसॉफ जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। जैसे कि कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, यानी 1 MB। तो हम जानते हैं कि 1 MB जो बराबर कितना होता है, 1 MB बराबर होता है 1024 KB। यानी 1024 KB हमें बाइट पूछ रहा है यहाँ। तो 1 जो है KB में कितना बाइट होता है, चूँकि 1 KB में जो है कितना बाइट होता है, 1 KB में होता है 1024 B यानी बाइट। तो हमारा क्या है 1024 KB में कितना हो जाएगा, 1 KB बराबर 1024 बाइट। तो इसलिए 1024 KB में कितना बाइट हो जाएगा, गुना कर देंगे 1024 में 1024 से। तो गुना करेंगे तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1,48,576 बाइट। तो हमारा राइट आंसर हो गया डी। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पराज रेंज होता है, क्या होता है सुपर कंप्यूटर के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 64 बिट तक जो है सुपर कंप्यूटर के लिए जो है शब्द लंबाई का पराज होता है। नेक्स्ट है कि परम एक उदाहरण है, तो परम जो है किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, परम जो है एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था। तो भारत में जो है परम कंप्यूटर का निर्माण जो है सीडेक यानी पुणे में हुआ था, सीडेक द्वारा। देखिए कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करती है। तो किसको जो है नष्ट करती है, तो कंप्यूटर वायरस जो है एक प्रोग्राम को जो है नष्ट करती है। तो हमारा राइट आंसर हो गया सी। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है, विंडो क्या है, विंडो एक जो है सॉफ्टवेयर है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों से जोड़ता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मोडम। मोडम जो है कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है।
मॉडेम का फुल मॉडल होता है मॉड्यूलेटर डेमोड्यूलेटर। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो जिसे स्पर्श किया जा सकता है वो उसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर। तो हमारा राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है कि डॉट मैट्रिक्स का जो है किसका एक प्रकार है, तो डॉट मैट्रिक्स एक जो है प्रिंटर का प्रकार है। हमारा राइट आंसर हो गया सी। सी डी रोम है, सी डी रोम क्या है, सी डी रोम का फुल फॉर्म होता है क्या होता है, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो सी डी रोम जो है एक मैग्नेटिक मेमोरी है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर, नेक्स्ट है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, तो जो है इसे हम कहते हैं आईसी। तो आईसी का पूरा नाम क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए कालेस्तान कंप्यूटर को बताती है कि उसके उपकरणों का प्रयोग जो है कैसे करना चाहिए, तो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर को बताती है कि उसके उपकरणों को प्रयोग जो है कैसे करना चाहिए। तो मेरा राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है कि सी बेसिक कोबोल और जावा जो है किन जो है भाषाओं का उदाहरण है, तो ये जो है हाई लेवल भाषाओं का जो है उदाहरण है। और बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगाइनर ऑल परपोज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और कोबोल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। लगभग 1000 मेगाबाइट यानी 1000 MB में जो है बराबर कितना जो है खालिस्तान होता है, तो 1000 MB को जो है हम लग ऐसे तो 1024 MB होता है, बशर्ते इसमें दिया हुआ लगभग 1000 MB, तो 1000 MB बराबर 1 GB यानी 1 GB होता है। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट का न्यूनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट का न्यूनतम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडो 10 है। आईबीएम क्या है, तो आईबीएम का पहले फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आईबीएम जो है एक कंपनी है। गूगल क्या है, तो गूगल जो है एक सर्च इंजन है। और याहू भी क्या है, तो याहू भी एक जो है सर्च इंजन है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है क्या करता है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है क्या करता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जो है आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय, यानी इनमें से सभी जो है एक संग्रहण यानी जो है स्टोरेज उपकरण है लेकिन एक नहीं है, तो कौन नहीं है, तो प्रिंटर जो है यहाँ नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग करते थे, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग जो है वैकम ट्यूब करते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है वैकम ट्यूब का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। राइट आंसर हो जाएगा सी। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाली क्या है, ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, जैसे ब्लिंकिंग पॉइंट जो है स्क्रीन पे ये होता है जो है, तो ब्लिंकिंग ये जो है कर्सर कराता है, जब हम कोई टाइप करते हैं तो वहाँ पे जो है एक जो है ब्लिंकिंग पॉइंट होता है, वही इसी को जो है हम कर्सर कहते हैं।
नेक्स्ट है कि सीडी का आकार कैसा होता है। तो सीडी आपने देखा, सीडी का आकार जो होता है गोल होता है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क। कौन सा पार्ट जो है कंप्यूटर का ब्रेन है, तो कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का दिमाग जो है सीपीयू को कहा जाता है। तो सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेबसाइट के मेन पेज को जो है क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी वेबसाइट के जो है मेन पेज को होम पेज कहा जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है। तो सॉफ्टवेयर के लिए जो है एक अन्य शब्द है प्रोग्राम। तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अभी कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको नीचे जो है लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके जो है हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपको ऐसे ही वीडियो डेली मिलता रहे।